नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस टाटा अल्ट्रोज रेसर के बारे में। और ये जो वेरिएंट है इसका R2 वेरिएंट है, मिड वेरिएंट है। तो डिटेल में जानेंगे कि क्या कुछ फीचर्स जो हैं आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और अगर आप टाटा मोटर्स का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं तो डीलर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप किसी भी टाटा प्रोडक्ट के बारे में जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो स्टार्ट इसके वेरिएंट से करते हैं। तो रेसर जो है टोटल 3 वेरिएंट के साथ आपको मिलेगी, R1, R2 ये जो वेरिएंट है, देन टॉप वेरिएंट आ जाएगा R3 वेरिएंट। और कलर ऑप्शंस की बात करें तो 3 ही कलर ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ये जो कलर आप देख रहे हैं ये प्योर ग्रे कलर है और इस कलर के साथ जो लुक्स हैं गाड़ी के वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और ये सेम कलर आपने ऑलरेडी टाटा नेक्सोन के अंदर भी देखा होगा। इसके अलावा आपको एवेन्यू व्हाइट कलर और एटॉमिक ऑरेंज कलर देखने को मिल जाएगा। और इन सभी 3 कलर के साथ जो रूफ है आपको ब्लैक मिलेगी और इंजन हुड जो है ये भी ब्लैक मिलेगा। और ये स्ट्राइप्स का जो डिज़ाइन आपको दिखाई दे रहा है ये स्टैंडर्ड है सभी वेरिएंट के अक्रॉस, जो है आपको बिल्कुल सेम मिलने वाला है और सभी कलर के साथ आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। तो ये होगी बात इसके कलर और वेरिएंट के बारे में। अब एक क्विक वॉक अराउंड करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ फीचर्स जो हैं आपको इस वेरिएंट के अंदर मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट की से करते हैं तो कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलेगी। इधर की तरफ टाटा का लोगो, इस तरफ लॉक अनलॉक फॉलो मी लाइट और बूट अनलॉक के कंट्रोल जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। अब गाड़ी के फ्रंट लुक्स आप देखिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको इसके लुक्स कैसे लग रहे हैं और स्पेशली ये कलर जो है ये किस तरह का लग रहा है आपको इस टाटा अल्ट्रोज के साथ में। और अगर इस हॉट हैचबैक के अंदर आप चाह रहे हैं कि आपका इंटीरियर कूल रहे, आपके कूल फ्रेग्रेंस आए, तो आप यूज़ कर सकते हैं इन्वॉल्व कार परफ्यूम्स। और ये जो परफ्यूम है अभी मेरे पास ये फाइबर परफ्यूम है और ये जो फ्रेग्रेंस है ये स्प्लैश फ्रेग्रेंस है भाई। एक इतनी गर्मी के अंदर एक ठंडक का एहसास जरूर आपको ये दिलाएगी। अलग अलग आपको यहाँ पे 75 प्लस फ्रेग्रेंसेज जो है इन्वॉल्व ऑफर करता है। फाइबर परफ्यूम के अलावा जो है आपको जेल फ्रेग्रेंसेज और एयर परफ्यूम्स भी देखने को मिलते हैं। अगर आप भी अपनी कार के लिए एक परफ्यूम परचेज़ करना चाह रहे हैं प्रीमियम परफ्यूम, तो आप परचेज़ कर सकते हैं इन्वॉल्व कार परफ्यूम्स। और इनको परचेज़ करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक से ही आप इनको परचेज़ कीजिए। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको डिस्काउंट मिले तो हमारा कोड यूज़ कर लीजिएगा कारक्वेस्ट, तो पूरी वेबसाइट पर जो है आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको 2 वेरिएंट्स कवर करने वाला हूँ, R2 ये जो सामने खड़ा है और R3 जो इसका टॉप वेरिएंट आता है। तो R3 के लिए अगर आप जाएंगे तो एक्सटीरियर इंटीरियर बिल्कुल सेम रहेंगे, सिर्फ 3 फीचर्स का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एक डिफरेंस आएगा इसके म्यूज़िक सिस्टम के अंदर, जहाँ पर आपको आयरा कनेक्टेड फीचर्स मिल जाएंगे। उसके बाद अंदर ड्राइवर और को ड्राइवर जो सीट्स है वो वेंटिलेटेड हो जाएंगी और साथ ही एयर प्योरीफायर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इन 3 चीज़ों के लिए आपको जो एक्स्ट्रा प्राइस पे करना पड़ेगा वो 50,000 जो है एक शोरूम के अंदर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। आप गाड़ी के ओवरऑल अगर इसकी विड्थ की बात करूँ तो 1755 mm जो है आपको इसकी विड्थ देखने को मिल जाएगी। फ्रंट जब आप देखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, जिस तरह से स्ट्राइप्स आपको दी गई हैं, हुड को जो है ब्लैक रखा गया है और पर्सनली मुझे भाई ये कलर जो है बड़ा प्यारा लग रहा है यहाँ पे। उसके बाद इसका फ्रंट ग्रिल जब आप देखेंगे तो ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ आपको इसका ग्रिल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी ब्लैक फिनिश का यूजर्स दिखाई देगा और ऊपर की तरफ भी आपको ब्लैक फिनिश का यूजर्स दिखाई देगा। ये आपको फ्रंट कैमरा मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इस वेरिएंट से जो है आपको 360 डिग्री कैमरा ऑफर किया गया है। ये टाटा का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद हेडलाइट का सेटअप जब आप देखते हैं तो हेडलाइट का सेटअप बड़ा आपको लंबा ये मिलने वाला है और काफ़ी अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है। रेगुलर हैलोजन लाइट्स आपको मिलेंगी, ये प्रोजेक्टर लो बीम के लिए, ये हाई बीम के लिए, ये टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाएगा और ये कंप्लीट जो है आपको रेगुलर हैलोजन बल्ब्स इनके अंदर देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा नीचे की तरफ जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी ये रेगुलर फोग लाइट्स, तो ये भी हैलोजन बेस्ड आपको मिलने वाला है। और ये जो है आपको यहाँ पे LED DRLs ऑफर कर दिए गए हैं। फ्रंट में जब आप डिज़ाइन देखते हैं तो कुछ इस तरह के कर्व्स आपको यहाँ पे मिलेंगे और ये जो है आपको इस मैट ब्लैक फिनिश के साथ देखने को मिलेगा। ओवरऑल इंजन हुड का जो डिज़ाइन है, जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऑटो हेडलैम्प्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही रेन सेंसिंग वाइपर्स जो हैं आपको ऑफर किए गए हैं। वाइपर्स जो हैं कुछ इस तरह के आपको ये कवर्ड वाइपर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब एक बार साइड से आप इसको देखिए तो जैसे आप जानते हैं कि एक प्रीमियम हैचबैक गाड़ी है तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ भी रखी गई है। 3990 mm आपको इसकी लेंथ देखने को मिल जाएगी। और जब टायर साइज़ आप देखेंगे तो रेसर के अंदर जो है आपको स्टैंडर्ड 16 इंचज़ के अलॉय व्हील्स जो हैं देखने को मिल जाएंगे। और जो टायर प्रोफाइल आपको यहाँ पे मिलता है 185/60 आपको मिलने वाला है। सामने की तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे और जो रियर में है आपको ड्रम ब्रेक ऑफर किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे दोनों तरफ फेंडर्स पे आपको ये रेसर का बैज देखने को मिल जाएगा। इंडिकेटर्स जो हैं आपको फ्रंट फेंडर पे देखने को मिलते हैं और साइड में भी जो है इस
यहाँ पे इस पार्ट पे रनिंग बोर्ड पे आपको ये एक्स्ट्रा स्कर्टिंग जो है दे दी गई है, और फिट एंड फिनिश जो है वो काफ़ी अच्छे से इसको किया गया है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी ये लग रही है। और ग्राउंड क्लियरेंस जो आपको मिलती है 165 mm की देखने को मिल जाएगी। लोअर ये जो पार्ट है इसका यहाँ पे ब्लैक फिनिश का यूजेस दिखाई देगा। ORVMs जब आप देखेंगे तो ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिलते हैं। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल रहने वाले हैं, और यहाँ पे जो है साइड कैमरा यूनिट आपको मिलने वाली है। उसके बाद हैंडल्स पे जब आप देखेंगे तो ड्राइवर साइड जो है आपको ये एक्सेस बटन यहाँ पे मिल जाएगा, और बी पिलर पे भी ब्लैक फिनिश, ए पिलर क्योंकि ड्यूल टोन के साथ है तो यहाँ पे ब्लैक फिनिश आपको देखने को मिलती है। ओवरऑल ग्लासेस का साइज़ भी ठीक रखा गया है, और यहाँ पे जो हैंडल्स हैं वो सी पिलर पे माउंटेड आपको मिलने वाले हैं। रूफ़ जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको यहाँ पे ये दिया गया है, और ये आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। स्पॉयलर को भी जब आप देखते हैं तो इसको भी यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है, तो एक स्पोर्टी टच जरूर ये ऐड करेगा। अंदर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा, रियर वाइपर वॉशर डिफोकर सब आपको ऑफर किया गया है। यहाँ पे जो है आपको ये इसके टेल लाइट्स देखने को मिल जाएंगे, तो ये टेल लाइट्स और यहाँ पे जो है ये टर्न इंडिकेटर आपको ऑफर कर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे लोगो दिखाई देगा टाटा मोटर्स का, अल्ट्रोज की बैजिंग, और अच्छा खासा पार्ट जो है इस मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है। और अब आपको यहाँ पे आई टर्बो प्लस की बैजिंग जो है दिखाई देगी, ये आपको रियर कैमरा यूनिट मिल जाएगी। दो सेंसर्स दिए गए हैं, अगर दो और ऐड कर दिए जाते तो काफ़ी अच्छा ये हो सकता था। ये रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाएंगे दोनों साइड, और स्किड प्लेट जो है ये इस मैट ब्लैक फिनिश के साथ आपको ऑफर की गई है। अब एक बार बूट चेक करते हैं। सो यहाँ से जो है आप बूट ओपन कर पाएंगे। बूट स्पेस आपको अच्छा मिलता है, 345 लीटर्स का बूट स्पेस आपको यहाँ पे दिया गया है। और नीचे की तरफ जब आप स्पेयर व्हील चेक करते हैं तो स्पेयर व्हील आपको मिल जाएगा ये 14 इंचेस का, 165x80 सेक्शन का। टूल किट वगैरह जो है आपको दे दी गई है, ये आपको पार्शियल सेल्फ मिल जाएगी। नाइट यूजर्स के लिए बूट लैंप भी मिलता है, और हुक मिलेगी एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो 3-3 केजी तक का वेट जो है आप कैरी कर सकते हैं। सीट को फोल्ड करना चाहें तो 100% फोल्डेबल रहने वाली है, आप इनको फोल्ड कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी रियर सीट पे ले चलता हूँ। सो हैंडल्स जो हैं यहाँ पे माउंटेड है, यहाँ से आप ओपन कर पाएंगे, और अच्छी बात है कि 90° डोर ओपनिंग है, तो ईजिली आप अंदर एंटर कर सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। और डोर ट्रिम्स जो हैं ऑल ब्लैक आपको मिलेंगे। ये पार्ट जो है सॉफ्ट टच है, रेस्ट हर जगह जो है आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बोतल होल्डर, ये आपको स्पीकर, यहाँ पे ट्विटर दिया गया है। इनर हैंडल जो है इस ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिलने वाले हैं। अब एक बार अंदर की तरफ चलते हैं और सिटिंग कंफर्ट चेक करते हैं। सो इस सीट को जो है मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, और इसको बिल्कुल मैंने पीछे की तरफ रखा है। तो अगर बिल्कुल पीछे की तरफ जाएंगे तो थोड़ा लेग रूम में आपको दिक्कत होने वाली है, लेकिन अगर आप यहाँ पे रखेंगे, जैसे मेरी सिटिंग, मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से इसको मैंने रखा है, तो लेग रूम अच्छा मिलता है, क्योंकि जो व्हील बेस है 2501 mm आपको मिलता है। थाई स्पोर्ट आप देख सकते हैं, अच्छा खासा थाई स्पोर्ट आपको ऑफर किया गया है। ओवरऑल रिक्लाइन एंगल जो है वो भी ठीक मिलता है। दो हेडरेस्ट आपको मिल जाएंगे जो एडजस्टेबल रहने वाले हैं, और साथ ही यहाँ पे एक आर्मरेस्ट मिल जाएगा अगेन, जिसकी जो विड्थ है वो अच्छी रखी गई है। पोजीशन जो है वो भी अच्छी आपको मिलने वाली है, लेकिन कोई भी कप होल्डर्स जो है आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देने वाले हैं। तीनों पैसेंजर के लिए 3-point सीट बेल्ट जो है आपको वो भी ऑफर की गई है। ऊपर की तरफ हैंडल्स जो हैं आपको मिल जाएंगे विद हुक, और रूफ़ भी जो आपको यहाँ पर मिलती है वो मिल जाएगी इस ब्लैक फिनिश के साथ। अभी जैसे मेरी जो हाइट है तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि ऊपर मेरा जो सर है वो टच हो रहा है, तो हेडरूम जो है वो थोड़ा ज़रूर आपको कम फील होगा, क्योंकि ये सनरूफ को यहाँ पे लगाया गया है ना, तो ये पार्ट थोड़ा नीचे की तरफ हुआ है, और यहाँ से इसको फिर ऊपर की तरफ किया है, तो थोड़ा आपको हेडरूम में जो है कम लग सकता है। देन हेडरेस्ट जो है सामने वाले वो एडजस्टेबल आपको मिल जाएंगे, और साथ ही सीट बेल्ट जो है ये भी आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ मिलती है। इस पार्ट को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा ये रियर एसी वेंट, और यहाँ पे एक ए टाइप चार्जिंग पोर्ट आपको मिलता है। सेंट्रल फ्लोर जो है इसको ऑलमोस्ट फ्लैट रखा गया है, तो दो पैसेंजर तो आराम से एकोमोडेट हो सकते हैं, तीन भी एकोमोडेट होना चाहें तो हो सकते हैं, और इसकी वजह से जो है इसको डाउन रखा है, तो सेंट्रल पैसेंजर का कंफर्ट जो है वो इंक्रीज़ होने वाला है। अब मैं आपको इसकी ड्राइवर सीट पर ले चलता हूँ। सो एक्सेस बटन मिलता है आपको यहाँ पे, यहाँ से लॉक अनलॉक हो जाएगी, और ये भी 90° ओपनिंग के साथ आपको मिलने वाला है। ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाएंगे। ड्राइवर विंडो जो है आपको वन टच अप डाउन रहने वाली है, सो वन टच डाउन और वन टच अप ये आपको मिलने वाली है। मिरर्स, एडजस्टमेंट, फोल्डिंग के कंट्रोल जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
इनर हैंडल अगेन ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बोतल होल्डर और ये जो है आपको अम्ब्रेला होल्डर मिलता है। यहाँ पे भी आपको स्पीकर मिल जाएगा और उसके बाद आप सीट्स एक बार देख लीजिए, तो ये लेदर फील सीट्स आपको मिलेंगे और सभी कलर के साथ जो है ये सेम इंटीरियर्स आपको मिलेंगे इस ऑरेंज और वाइट कलर का, और ये ऑरेंज कलर की स्टिचेस आपको दिखाई देंगी। हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो 6-way एडजस्टेबल जो है आपकी ड्राइवर सीट रहने वाली है। इस तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ से लॉक अनलॉक, ये जो फोग लाइट्स हैं उनके ऑन ऑफ कंट्रोल्स, ये 360 डिग्री व्यू के लिए, और यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको मिल जाएगा। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो रेगुलर पैडल्स आपको मिलते हैं, अगर यहाँ पे भी आपको मेटल या कुछ इस तरह से इसको कर दिया जाता तो और एक स्पोर्टिव टच जो है यहाँ पे ऐड हो सकता था। अब एक बार इंटीरियर्स चेक करते हैं, तो सीट करते हैं सबसे पीछे की तरफ और एंगल को कर देते हैं वाइड। सो इंटीरियर्स जब आप देखेंगे ना तो सभी वेरिएंट के अक्रॉस बिल्कुल सेम इंटीरियर्स आपको मिलेंगे, चाहे आप कोई भी कलर कंसीडर करेंगे तो इंटीरियर्स जो है आपको सेम रहने वाले हैं। ये ऑरेंज कलर का यूजेस आपको दिखाई देगा, तो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे आप स्टार्ट करेंगे भाई तो रेसर नाम रखा है तो थोड़ा आपको ना फील होगा कि भाई हाँ स्टार्ट हो रही है गाड़ी ना, और एसी को करते हैं हम ऑन। तो स्टेयरिंग व्हील जब आप इसका देखेंगे ना तो ये डी कट आपको मिलने वाला है, लेदर रैप्ड आपको मिलेगा, और अगेन यहाँ पे जो है ये ऑरेंज कलर के स्टिचेस दिखाई देंगी। इधर की तरफ जो है आपको ये क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे मिलने वाला है, तो ये क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स आपको दिखाई देंगे। साथ ही जो ये बटन्स हैं ये आपको सामने उस क्लस्टर के भी मिलते हैं। इधर की तरफ मल्टीमीडिया के कंट्रोल दिखाई देंगे, और इस वेरिएंट के अंदर जो है आपको कुछ इस तरह का क्लस्टर दिखाई देगा। ये 7 inches का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल से जो है इंफॉर्मेशन वगैरह आप सारी चेंज यहाँ से कर सकते हैं। देन इस सेंट्रल पार्ट को जब आप देखेंगे तो ये 10.25 इंचेस का बड़ा हाँ टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आपको दिखाई देने वाला है। ओवरऑल इसका जो टच रिस्पॉन्स वगैरह है वो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे मिलेगा। साउंड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे 4 speakers और 4 tweeters जो हैं आपको ऑफर किए गए हैं। और एक बार मैं आपको कैमरा की क्वालिटी दिखाता हूँ, तो सराउंड व्यू जब आप देखेंगे तो भाई ये देखिए कैमरा की क्वालिटी जो है ना वो काफ़ी अच्छी है, तो काफ़ी अच्छी आपको ये मिलने वाली है। अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, 3D व्यू आप देखना चाहें तो ये 3D व्यू आपको मिलेगा। अब ये सिंगल टोन इसमें दिखा रखी है इस प्योर ग्रे के साथ, लेकिन सिंगल टोन जो है आपको नहीं मिलता है। तो ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एप्पल कार प्ले एंड ऑटो की कनेक्टिविटी वगैरह सब आपको मिलता है। ये ऑरेंज कलर के एसेंट्स आपको इन एसी इवेंट्स पे दिखाई देंगे, और यहाँ पे अल्ट्रोज लिखा दिखाई देगा, और यहाँ पे एम्बियन लाइट भी आपको मिलती है। ये रेड कलर की एम्बियन लाइट जो है आपको दी गई है। देन ये ऑटो एसी की यूनिट आपको मिल जाएगी, और यहाँ पे जो है एक ए टाइप सी टाइप और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जो है आपको ऑफर कर दिया गया है। साथ ही नीचे की तरफ जो है आपको वायरलेस चार्जर भी मिल जाएगा, तो हर तरह का चार्जिंग ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है। और अल्ट्रोज रेसर जो है सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको मिलती है, तो 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी ऑरेंज कलर के एसेंट्स दिखाई देंगे, और यहाँ पे कोई भी आपको ड्राइव मोड्स नहीं मिलते हैं क्योंकि ये हमेशा जो है स्पोर्ट्स मोड के अंदर रहती है, तो हमेशा स्पोर्ट्स मोड के अंदर आपको रहने वाली है ये। और यहाँ पे कप होल्डर्स मिल जाएंगे, सेंटर में एक आर्मरेस्ट है जिसको आप स्लाइड जो है कर सकते हैं, हालांकि इसकी विड्थ कम है और ये यहाँ से जाके ये हैंड ब्रेक को थोड़ा उधर की तरफ करता है, तो ये आपको मिलने वाला है। इसको ओपन अगर आप करते हैं तो ओपन हो जाएगा, अंदर की तरफ हल्का सा स्टोरेज आपको मिल जाएगा। ये हैंड ब्रेक मिलती है जिसका टिप जो है इस क्रोम के साथ है, और इस डैशबोर्ड को जब आप देखेंगे तो ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश, ये ग्रे शेड आपको दिखाई देगी, और हर जगह जो है हार्ड प्लास्टिक का यूजेज ही आपको देखने को मिलता है। देन ग्लोब बॉक्स का स्पेस आप देखेंगे ना तो भाई बहुत बड़ा स्पेस आपको मिलता है, नीचे की तरफ सेपरेट और ऊपर की तरफ सेपरेट, और अंदर की तरफ इल्यूमिनेशन जो है आपको बल्ब जो है वो भी दे दिया गया है। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर, ड्राइवर साइड जो है टिकट होल्डर आपको मिल जाएगा, और मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ जो है आपको ये IRVM मिलने वाला है। यहाँ पे LED लाइट आपको मिल जाएगी, और फिर आपको मिल जाएगी ये सनरूफ, तो ये इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ये कुछ ओपनिंग रहेगी तो ओपनिंग भी जो है वो डिसेंट आपको यहाँ पे मिलती है। सो ये कुछ थे इस कार के इंटीरियर्स। अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और प्राइजेस के बारे में। सो अब बात सेफ्टी फीचर्स की करते हैं, तो टाटा अल्ट्रोज को ग्लोबल एनकैप के अंदर 5-star सेफ्टी रेटिंग मिली है, और अब अल्ट्रोज रेसर के अंदर जो है 6 airbags आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं। ड्राइवर, को ड्राइवर, साइड एयरबैग्स और कर्टन एयरबैग्स, ABS ब्रेक्स विद EBD आपको, साथ ही यहाँ पे जो है रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। और अब इस वेरिएंट के अंदर जो है आपको 360 डिग्री कैमरा और साथ ही ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जो है वो भी ऑफर कर दिया गया है। बात इंजन की करें तो इस
रेसर एडिशन के अंदर आपको 1.2 लीटर का रेवोट्रोन इंजन देखने को मिलेगा, जो सेम आपको टाटा नेक्सोन के अंदर मिलता है, जो थ्री सिलेंडर इंजन है, जो मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल के देगा 120 पीएस की और टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 170 न्यूटन मीटर्स का। और रेसर एडिशन के साथ जो है सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ही देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड वारंटी जो आपको मिलती है 3 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की देखने को मिलेगी। आप इसको फर्दर एक्सटेंड कराना चाहें तो फर्दर भी एक्सटेंड करा सकते हैं। आप बात प्राइजेस की करते हैं तो सभी वेरियंट के प्राइजेस जो हैं सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये इसका R2 वेरियंट है, तो इस R2 वेरियंट का जो एक शोरूम प्राइस है 10,49,000 रुपीज़। और जितने भी प्राइजेस सामने आपको दिखाई दे रहे हैं सभी एक शोरूम प्राइजेस हैं, रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस टाटा अल्ट्रोज रेसर एडिशन पे। आपको ये वेरियंट कैसा लगा और ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।